यही हम सबके लिए अचीवमेंट है, जो हमारा उद्देश्य है ये यही है कि इन बच्चों का ज्ञान बढ़े, इन बच्चों को अच्छा करने की प्रेरणा मिले, ये बच्चे अपना कैरियर बनाएं, अपने परिवार के लिए, अपने क्षेत्र के लिए और इस राज्य के लिए, इस देश के लिए अच्छा करें और एक देश की प्रगति में सहायक सिद्ध हो, अपना रोल निभा सके। इस जो हमने ऑर्गेनाइज किया भारत दर्शन टूर, इसका उद्देश्य न सिर्फ आपको मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराना था, बल्कि हमारा जो इसके पीछे मुख्य उद्देश्य था यह था कि आपकी जो जिज्ञासाएं हैं, आपकी जो कल्पनाएं हैं, आप उसको वो जागृत कर सके और आपको प्रोत्साहन मिले कुछ अच्छा करने के लिए, अपने करियर में अच्छा बनने के लिए, आपके क्षेत्र, आपके माध्यम से आपके पूरे क्षेत्र को विकसित करने के लिए, ये सारा हमारा उद्देश्य उसके पीछे छिपा हुआ था। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं आप लोगों से बात करके, हमें लग रहा है कि हमने वो चीज़ अर्जित करने में बहुत हद तक सफल हुए हैं। यहाँ उपस्थित प्रत्येक बच्चे को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आप सभी पूरे दृढ़ संकल्प और पूरे लगन के साथ अपने लक्ष्य, जो भी आपने अपने जीवन में लक्ष्य बना रखा है, या इस टूर के माध्यम से जो कुछ आपके अंदर जिज्ञासाएँ जगी है, जो कुछ बनने की इच्छा जागृत हुई है, उसका पीछा पूरे लगन के साथ करें ताकि आपको जीवन में सफलता मिल सके। और मुझे कोई संदेह भी नहीं है कि आप आगे चल के अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप अपने भविष्य में सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएंगे और देश के विकास में अपना योगदान देंगे। इन्हीं बातों के साथ अब समय आ गया है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, बहुत सारे लोगों ने योगदान दिया, उनके प्रति आभार व्यक्त करने का। सबसे पहले मैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन प्लानिंग ऑफिसर, जो किसी कारण से आज हमारे बीच उपस्थित नहीं हो पाए, मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा जिनके दिशा निर्देशन में इस टूर को, इस भारत दर्शन कार्यक्रम को आयोजित करने में हम सफल हुए। मैं बधाई देना चाहूँगा जो तीन स्कूल हैं, HSS भद्रवा, भारला बेरडू, इनके प्रधानाचार्य महोदय को, जिन्होंने प्रयास किया, जो हमारे रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से इन्होंने बच्चों को सेलेक्ट किया, दूर दराज के बच्चों को सेलेक्ट किया और ये कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इन बच्चों के पेरेंट्स, इन बच्चों के गार्जियन, जिन्होंने 33 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल पर भरोसा दिखाते हुए, विश्वास दिखाते हुए अपने बच्चों को इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने दिया। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि आपने हमें विश्वास दिखाया और हम उम्मीद करते हैं कि आपने जिस विश्वास के साथ उन पर भरोसा किया, वो विश्वास पे हम खड़े उतरे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस मंच NCC ऑफिसर हायर सेकेंडरी स्कूल भद्रवा बॉयज, साथ ही मिस्टर संजीव हायर सेकेंडरी स्कूल भारला, जिन्होंने अथक प्रयास करते हुए शुरू से ही हमारे साथ लगे रहे और इस कार्यक्रम के शुरुआत से लेकर समापन तक हमें जब भी जरूरत पड़ी अपना सहयोग दिया और पूरे तन मन से लगे रहे ताकि ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित की जा सके। मैं उन सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आपने इस पूरे कार्यक्रम को कवर किया, पब्लिसिटी दी, यहाँ के जो संभव नहीं हो पाया इस क्षेत्र के बहुत सारे लोगों में इसके बारे में ज्ञान दिया, साथ ही साथ आपने इन बच्चों को, जो उनको मंच नहीं मिला है बोलने के लिए, सीधा ही मीडिया के सामने बोलने की एक बहुत अच्छा और रोमांचित करने वाला अनुभव है आपने इनको उपलब्ध कराया। मैं इन सबके लिए आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो टूर ऑर्गेनाइज किया उसमें जैसे ही आप लोग आए ना, तो बच्चों के चेहरे देख के हमें बड़ी खुशी हुई कि बच्चा इतने लंबे हैट्रिक टूर करने के बाद, इतना लंबा हैट्रिक टूर करने के बाद खुश है। और हम भी जानते हैं क्योंकि उन्होंने एक नई अचीवमेंट किया है, क्योंकि कई बच्चों ने, जैसा कि पंकज ने बताया, पहली बार ट्रेन यात्रा की, पहली बार दिल्ली थी और एक नए कल्चर को देखा और एक नई सोच अपने अंदर उनके आई होगी। यही सबसे बड़ी अचीवमेंट है और यही हमारा इसका उद्देश्य भी था कि आप लोग एक रिमोट जगह से निकल कर और इंडिया की मोस्ट एडवांस जगह, कैपिटल, मतलब दिल्ली से एडवांस क्या हो सकता है, तो
जगह गए और ऐसी चीज़ें देखी जो हमने आज तक नहीं देखी, मतलब वो जो नया पार्लियामेंट हाउस आप लोग देख के आए हैं वो आज तक हम लोगों ने भी नहीं देखा और आप लोग देख के आए, ये बहुत बढ़िया लगा। इसके साथ साथ आपने हिस्टोरिकल चीज़ें देखी, तो मुझे पूरा विश्वास है कि बच्चों में आपसी दोस्ती भी बढ़ी होगी, इनके विचारों में चेंज भी आया होगा और यही सब इस चीज़ का उद्देश्य है। तो बस मैं अब ज़्यादा नहीं इसलिए बोलूँगा क्योंकि कई बच्चों ने बताया कि चार दिन से घर से निकले हैं, कि मम्मी पापा भी चार दिन से उनसे मिले नहीं हैं। श्री आरिफ राणा, साहिल कुमार, सुजल कुमार, सुजल कुमार, एसएस कोटवाल, कुमार पकड़े थे ना आप, आ जाओ, अमित कुमार, मनाज बाला, शाबाश, नीरज सिंह, नीरज, नीरज आप नेक्स्ट, जरा आसपास सुनाइए, आरिफ, आरिज मुश्ताक, आरिज मुश्ताक के बाद दानिश फारूक, हर्षवर्धन योगी, मोहम्मद मेहरान ताक, मेहरान ताक, अजय सिंह, अजय सिंह के बाद सुजल शर्मा, राहुल शर्मा, अथार इरशाद, सुमित कुमार, मोहम्मद समी, साहिल मनहास, आकिब हुसैन, आदिल अली जाकिर, और फाइनली मोहम्मद असीम, आसिम।